हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 3 बात करने वाले हैं। हम लोग पहले काम कर चुके हैं, SCP, CCP, FCC, BCC ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। और मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोग को सूत्र का अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला। इस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, सोल्व करेंगे। इस पर क्वेश्चन इंसाइट बुक में पक्का मिलेगा, आपको मिल जाएगा। सूत्र की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला, इसमें दो पॉइंट है। पहला है आणविक सूत्र। आणविक सूत्र का अनुपात क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र। अब कोई कहेगा बच्चा कि सर आप लिखे हैं आणविक सूत्र और लिखे हैं उसका रेशियो अनुपात होता है मूलानुपाती सूत्र, क्या आप हमको समझा सकते हैं? बिल्कुल समझाएंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं। यदि लेते हैं एग्जाम्पल C6H6, देखो जी C6H6 ये सूत्र है बेंजीन का, ये सूत्र है बेंजीन का, ये है आणविक सूत्र। ये क्या है? आणविक सूत्र है। अब देखो कार्बन 6 गो है, हाइड्रोजन 6 गो है, बताओ कॉमा क्या है? 6 कॉमा है, ये हो जाएगा CH, 6 क्या है? कॉमा है। तो ये हो गया आणविक सूत्र और ये हो गया मूलानुपाती सूत्र हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग C2H6, बताओ ये हो गया आणविक सूत्र, निकालना क्या है? मूलानुपाती सूत्र। तो ई दोनों का रेशियो निकालें, क्या निकल जाएगा? मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा। तो क्या कॉमा है? दो यहां, 6 यहां, दो कॉमा होगा तो CH3 यहां होगा, यानी यहां पर दो क्या है? कॉमा है। अब कहेगा सर यदि लेते हैं C3H7, बताओ जी ये हो गया आणविक सूत्र, अब निकालना क्या है? निकालना है मूलानुपाती सूत्र निकालना है। बोलो क्या कॉमा है? तो सर O1 कॉमा है, कुछ नहीं कॉमा, सिर्फ O1 कॉमा है। तो C3H7 यानी O1 कॉमा है, यानी जो सूत्र है आणविक सूत्र का, वो वही सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र है, जिसमें कॉमा नहीं है, दोनों सेम होगा। इसमें लिखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि यदि x परमाणु कोना पर तथा बाई परमाणु फलक पर हो तो आणविक सूत्र बताएं। देखो जी एक्स परमाणु कहाँ है? कोना पर है। और तुमको पता है कि यूनिट सेल में कोना की संख्या होता है 8, कितना होता है? 8। और तुमको ये भी पता है कि एक कोना पर एक परमाणु का 8वां भाग रहता है, बाकी सब कट के बाहर निकलता है। तो बताओ जी 8 कोना है तो 8 × 1/8 कितना यहाँ निकल जाएगा? यहां हो जाएगा 1। अब बाई परमाणु कहां है? बाई परमाणु कहां है? फलक पर है। अब बताओ जी फलक कितना है? फलक होता है यूनिट सेल में 6 गो ना। अब तुमको पता है कि एक फलक में एक परमाणु का आधा भाग रहता है, 1/2 कितना आ गया? 6 ना, द्वितीय 6 ना, ये 3 हो गया। अब देखो एक्स परमाणु कितना हो गया? टोटल 1 हो गया। अब बाई परमाणु कितना हो गया? 3। यहां से निकाल लो X/Y, X हो गया O1, अब Y हो गया 3। तो हम लोग देखो X1Y3 यहां से लिखेंगे, इसीलिए आणविक सूत्र X और Y का आणविक सूत्र यहां हो जाएगा X1 अब Y3 X1Y3, ये निकल गया आणविक सूत्र निकल गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। लिखा गया है कि यदि ए परमाणु कोना पर तथा बी परमाणु कोर या किनारा पर है तो एक कोना गायब कर दे यानी हटा दे उसको, हम उसको कंसीडर नहीं करें। यदि एक कोना गायब किया जाता है तो ए और बी का आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र बताएं। देखो जी ए परमाणु कहां है? कोना पर है। अब बताओ कोना होता है 8 गो, अब कह रहा है कि ये वो गायब करेंगे, ए गो गायब करेंगे तो कितना बचेगा? 7 ना, कितना बचेगा? 7। तुमको पता है कि एक कोना पर एक परमाणु का 8वां भाग रहता है, तो एक कोना गायब हो गया 8 गो में से, 7 बचा ना, तो 1/8 यानी 7/8। अब देखो बी परमाणु कहाँ है?
बी परमाणु है कोर या किनारा, बताओ कोर कितना, 12 ना, कोर कितना 12। तुमको पता है कि किनारा पर एक परमाणु का चौथा भाग रहता है, बाकी सब बाहर निकल जाता है, तो एक बट्टा चार, तो चरतियाई 12, चरतियाई 12। अब पूछ रहा है ए और बी का आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र बताएं, तो ए बट्टा में बी, ए का मान है 7/8 और बी का मान है 3, तो यहां हो गया 7 और 3 = 24। लिखेंगे इसीलिए ए और बी का, ए और बी का आणविक सूत्र कितना हो गया, A7 और B 24, ये हो गया आणविक सूत्र। अब निकालना क्या है, मूलानुपाती सूत्र। अब देखो जी क्या इसमें कुछ कॉमा है, देखो तो 7 और 24 कुछ कॉमा है, कुछ कॉमा नहीं है, तो जितना होगा आणविक सूत्र वही होगा मूलानुपाती सूत्र। अब हम लोग काम करते हैं क्रिस्टल घनत्व का, हम लोग अब बात करेंगे क्रिस्टल घनत्व का, यानी क्रिस्टल डेंसिटी। आखिर में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, इसे हम रोज से सूचित, यानी इसे रोज से सूचित किया जाता है डेंसिटी घनत्व को। क्रिस्टल जालक का स्थिरता समानुपाती होता है क्रिस्टल घनत्व का, यानी बोलेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्मरण पत्र किसका होगा, क्रिस्टल डेंसिटी का। अब हम लोग समझना है कि क्रिस्टल घनत्व का सूत्र क्या होगा, एनसीईआरटी बुक में इस पर भी कई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें डेंसिटी का मान निकालना पड़ेगा हमको, किसमें मोलर द्रव्यमान का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिस्टल घनत्व का सूत्र क्या होता है और कैसे निकालेंगे विस्तार रूप से। तो सबसे पहले हम लोग फिगर पा रहे हैं एकक सेल का, यानी यूनिट सेल का। देखो एहन घन है, तो बताबो जी कोर लंबाई यानी किनारा लंबाई कितना, ए कितना माने हैं, ए किसमें, पिकोमीटर में, किसमें माने हैं, पिकोमीटर में। जब पिकोमीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में तो ए गुना 10^-10 सेंटीमीटर होगा, समझते नहीं रखा। यदि पिकोमीटर में है तो यहां ध्यान देना जी, यदि लिखते हैं 1×10^-12 होता है मीटर में, अब मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में तो 100 से गुना कर दो तो हो जाएगा 1×10^-10 सेंटीमीटर। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कैसे बदले हम। अब देखो कोर लंबाई ये लिए है, यानी भुजा जी पढ़ते ना घन का भुजा, हमको ए मानते ना है, वही हो गया कोर लंबाई ए पिकोमीटर में। यदि बदलते हैं सेंटीमीटर में तो 1×10^-10 सेंटीमीटर। ध्यान देना एकक सेल में कण की संख्या माने हैं जेड, कण यानी कण परमाणु अणु कुछ भी हो सकता है, क्या मान लिए हैं जेड। कि बताओ जी एकक सेल का निर्माण हुआ है कण को मिलने से, तो हम मान लिए हैं कि एकक सेल में कण की संख्या कितना है जेड मान लिए हैं, और हम मोलर द्रव्यमान कितना मान लिए हैं ए। मोलर कहने का अर्थ हो कि मोलिकुलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान कितना मान लिए हैं ए मान लिए हैं। अब ध्यान देना एकक सेल का आयतन भुजा क्यू, यानी घन का आयतन भुजा क्यू होता ना जी, तो एकक सेल का आयतन कोर लंबाई क्यू, देखो इसका मान 1×10^-10 सेंटीमीटर में है, क्यू कर दिए हम तो ए क्यू 10^30 तो ए क्यू 10^-30 सेंटीमीटर क्यू निकल गया, यानी हम लोग यहां से एकक सेल का आयतन निकाल लिए। अब हम लोग जानते हैं कि देखो जी तुम जानो चाहे मत जानो कि हम पक्का जानते हैं, लेकिन यहां पर तुम भी जान जाओ कि एकक सेल में कण का द्रव्यमान निकालना है तो मोलर द्रव्यमान बटा में एन ए, यानी कण का द्रव्यमान निकालना हो तो या परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या आयनिक द्रव्यमान में एन ए से भागा मारेंगे तो निकल जाएगा हम लोग का कण का द्रव्यमान, निकल जाएगा किसमें, निकलेगा ग्राम में, किसमें निकलेगा ग्राम में। अब यहां देखो
एकक सेल में एक कण का द्रव्यमान निकालेंगे, सिर्फ एक कण का द्रव्यमान निकालेंगे, तब मोलर द्रव्यमान कितना मान लिए हैं, ए ना, कितना माने हैं ए, अब बटा में एन ए, किस निकलेगा ग्राम में, निकलेगा ग्राम में निकलेगा। अब ध्यान देना, अब निकालना है एकक सेल का द्रव्यमान निकालना है, एकक सेल का द्रव्यमान निकालना है, तो एकक सेल में कण की संख्या कितना कण है और गुना एकक सेल में एक कण का द्रव्यमान। अब बताबो ना, हम एक कण का द्रव्यमान निकाल लिए हैं, अब जितना कण रहे उसे गुना कर दो, इसमें बताओ थोड़ा और समझते हैं, कहेगा बताओ जी एक सेव का दाम है दस रुपया, एक सेव का दाम है दस रुपया, तो सौ सेव का दाम, सौ गुण दस करते ना है, तो हमको निकल गया एकक सेल में एक कण का द्रव्यमान निकल गया है, और एकक सेल में कण की संख्या मान लिए हैं जेड, तो जेड से गुना कर दो, तो जेड गुना ए बटा एन ए निकल गया, क्या निकल गया एकक सेल का द्रव्यमान निकल गया, कितना निकल गया। तुमको पता है कि घनत्व का होता है फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान हम लोग का निकल गया है जेड गुना ए बटा एन ए, और हम लोग आयतन पहले निकाल लिए हैं ए के पावर क्यू गुना दस के पावर माइनस तीस सेंटीमीटर क्यू निकाल लिए हैं, मान फूट कर दिए हैं, रो बराबर जेड गुना ए, एन एन नीचे रहेगा ना, एन कहाँ गया, नीचे गया, ए क्यू देखो जी दस के पावर माइनस तीस माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ऊपर आया प्लस में, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। देखो यदि ए का मान यदि पिकोमीटर में क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए का मान दिया गया है पिकोमीटर में, किसमें क्वेश्चन में, तो ऊपर में लेंगे दस के पावर तीस, और यदि ए के मान दिया गया है सेंटीमीटर में तो दस के पावर तीस हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग यहां लिख रहे हैं, ठीक है ध्यान देना, यदि एक मान लिया गया सेंटीमीटर में तो लिखेंगे रो बराबर, लिखेंगे रो बराबर जेड गुना ए, अब बटा में एन ए गुना ए क्यू, किस में सेंटीमीटर में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, यहां पर 10 के पावर 30 हम लोग यहां पर नहीं लिए हैं। अब ध्यान देना आखिर में जेड ए एन ए एक की उसमें क्या है, जरा लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे कि यहां बताओ रो क्या है, रो है क्रिस्टल घनत्व है, क्रिस्टल घनत्व है, बताओ जेड क्या है, जेड है एकक सेल में कण की संख्या, एक्सेल में कण की संख्या। अब क्या बताइए सर, एकक सेल में कण की संख्या जेड है तो हम लोग कैसे समझेंगे, ध्यान देना जी। अब मान लो कि दिया क्वेश्चन में दिया गया है एफ सी सी, हम पहले बताए हैं कि एफ सी सी में कुल कण की संख्या होता है चार, तो चार क्या कहलाएगा जेड, क्या कहलाएगा जेड, क्या बताओ जी सीसीपी एफसीसी में होता है कण की संख्या चार, ये चार हो जाएगा जेड का मान हो जाएगा, ए हो गया एकक सेल में कण की संख्या, बताओ ए क्या है, ए हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान बोलो या आणविक द्रव्यमान बोलो या तुम बोलो आयनिक द्रव्यमान, ए तुमको होगा आयनिक द्रव्यमान, यदि परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, आणविक है यानी अणु है तो आणविक द्रव्यमान, यदि आयनिक है तो आयनिक द्रव्यमान। अब देखो एने क्या है, ए क्या है, सॉरी ए क्या है, ए कोर बोलो या तुम किनारा बोलो, इसकी लंबाई है, क्या है लंबाई है। अब बताओ एन ए क्या है, एन ए है ए वो गैड्रो नंबर है, ए वो गैड्रो संख्या है, ए वो गैड्रो संख्या है, इसका होता है मान 6.023 दस के पावर 23। तुमसे पूछा बताओ जी एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, उसका मान कितना होता है, तो 6.022 बोलो या 6.023 गुना दस के पावर 23। यदि ओवान बटा एने का मान निकालेंगे, ओवान बटा एने का मान निकालेंगे तो जगह 1.66 गुना दस के पावर माइनस 24।
देखो यहाँ पर हम सबका मान पुट कर दिए हैं, यदि फिर से दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करो आप फिर से देख लो, ठीक है। हम आगे इसके आगे हम लोग काम करते हैं संकुलन क्षमता का। संकुलन क्षमता देखो अब हम लोग बात करेंगे संकुलन क्षमता का यानी पैकिंग फ्रैक्शन। आखिर में हमको हम लोग संकुलन क्षमता कहते किसे हैं, तो यहाँ लिखे हैं कि एकक सेल में ठोस कण जो स्थान कब्जा करता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। यदि हम समझे बढ़िया से तो एकक सेल में ठोस कण लगाने के बाद जितना स्थान वो ग्रहण कर लिया उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता, और जितना खाली रह गया उसे ही बोलते हैं रिक्तियां यानी वॉइड्स। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बैग में हम कपड़ा या किताब पैक कर रहे हैं, चलो मान लो कपड़ा पैक कर रहे हैं कि एक बैग में कपड़ा द्वारा बैग में कब्जा किया गया स्थान उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। आ कपड़ा जो स्थान कब्जा कर लिया उसका जो खाली रह गया, अरे कुछ तो खाली रहेगा, कुछ कोना में खाली रहेगा, कुछ ऊपर रह खाली रहेगा, रहेगा ना, तो जितना खाली रह गया उसे हम बोलते हैं रिक्तियां, और जितना स्थान कब्जा कर लिया उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फ्रैक्शन। यहाँ लिख दिए हैं कि एकक सेल में, यहाँ हम लिखे हैं कि एकक सेल में ठोस कण जो स्थान कब्जा करता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। क्रिस्टल जालक का स्थिरता समानुपाती होता है संकुलन क्षमता का, यानी स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग फ्रैक्शन। संकुलन क्षमता निकालना हो तो इसका होता है फॉर्मूला ठोस कण का आयतन बटा में एकक सेल का आयतन। अब हम देखते हैं कि एकक सेल में संकुलन क्षमता का व्याख्या करते हैं। एम है आध या अभाज, चाहे सिंपल की बोलो या तुम प्रिमिटिव बोलो, जैसी बोलेंगे आध या अभाज तो एकक सेल में कण रहेगा लेकिन कहाँ रहेगा, सिर्फ कोना पर, सिर्फ कहाँ रहेगा कोना पर। अब देखना है कि एकक सेल में कण को कोना पर लगाने के बाद एकक सेल का कितना भाग कब्जा करता है और कितना भाग खाली रहता है। यहाँ फिगर ली एकक सेल का, आध या अभाज एकक सेल में कण कहाँ होगा, सिर्फ कण सिर्फ कहाँ होगा कोना पर होगा, सिर्फ कण कहाँ होगा कोना पर होगा। हम इसको मान लिए ए बी सी डी, इसको हम बाहर निकाल लिए, चार कोना है, कण 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 लगा दिए हम, आराम से लगा दिए हैं। ध्यान देना यदि हम पूरा मिलाते तो बनता है व्यास, आधा तो त्रिज्या, आधा त्रिज्या अब पता है कि भुजा है, यही कोर लंबाई है, इसको ए मान लिए हैं, फिगर फर्स्ट फिगर सेकंड है। घन का कोर लंबाई कितना, ए, अरे घने से लग रहा देखे में, तो घन का कोर लंबाई ए, कण का त्रिज्या क्या माने हैं कैपिटल आर माने हैं, देखो यहाँ आर कैपिटल लिखो किए हैं। अब चलते हैं फिगर दू से, ए बी बराबर टू आर, अब बराबर में ए, समीकरण फर्स्ट। घन का आयतन पता हमको होता है भुजा क्यू यानी ए क्यू। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, एकक सेल का आयतन एक क्यू, ए का मान टू आर पुट कर दीजिए, दो के पावर क्यू आठ ना, आठ आर क्यू। अब यहां देखो ठोस कण जो होता है एकदम सूक्ष्म कण, छोटा कण, ये होता है गोलाकार, गोला, तो तुमको पता है कि गोला का होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। एकक सेल में ठोस कण की संख्या बताना है, किसमें, आधी अभाज में, तुमको पता है कि इसमें होता है सिर्फ कोना पर, कोना पर होता है कण, आठ कोना, और एक कोना पर एक परमाणु का आठवां भाग रहता है, तो 8 × 1/8 = 1। अब एकक सेल में ठोस कण का आयतन बताना है, तब 4/3 पाई आर क्यू, ठोस कण कितना है एक, एक से गुना कर दो, ये निकल गया ठोस कण का आयतन निकल गया। अब निकालना है संकुलन क्षमता, इसका होता है फॉर्मूला ठोस कण का आयतन बटा में एकक सेल का आयतन, मान पुट कर दो, ठोस कण का आयतन निकल गया 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू अब बटा में गुना एकक सेल का आयतन क्या निकल गया है, 8 r³ 8 r³। अब यहां पर देखो, यहां पर कर लो तुम काट छाट, आर क्यू से आर क्यू कटेगा, 4 × 8 कटेगा, पाई के मान 3.14, 3 × 6, यदि हम भागा मारेंगे तो निकलेगा 0.52।
अब निकालना है प्रतिशत संकुलन क्षमता, 0.52 गुना 100 कर दो, कितना आ गया 52%। यानी यहाँ पर देखा गया कि आध या अभाज्य कक्ष सेल में ठोस कण को लाने के बाद, लगाने के बाद ठोस कण स्थान कब्जा किया कितना 52%। यानी एकक सेल में स्थान कब्जा किया है 52%, तो कितना स्थान खाली रह गया 48%। अब हम लोग बी में काम करते हैं फलक केंद्रित घनीय का, यानी FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूब। अब देखो जी, ये हम फिगर लिए हैं FCC का। तुमको पता है कि FCC में ठोस कण कोना पर और कहाँ रहेगा फलक पर। अब ठोस कण को कोना पर और फलक पर लगाने में जितना स्थान कब्जा किया लगने के बाद, कहाँ कोना और फलक पर ठोस कण लगा किसमें FCC में, और लगने के बाद जितना स्थान कब्जा किया उसे ही बोलते हैं संकुलन क्षमता। अब यहाँ देखो, ये FCC का फिगर है, ये एक सेल है। बताओ जी FCC में कण कहाँ कोना पर होगा, कोना पर होगा और कहाँ होगा फलक पर होगा। चलो इसको हम बाहर निकालें, ABCD हर एक कोना परमाणु है, एक बीच में फलक पर एक परमाणु है, ये फलक है यहाँ पे परमाणु है। अब इसको इसे मिला दिए हम। अब देखो पूरा व्यास है, आधा त्रिज्या है, त्रिज्या हो गया ये पूरा व्यास है, त्रिज्या आधा, आधा त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या आधा हो गया, RR को मान लिए हैं RR। अब BCD को हम बाहर निकालिए, BCD को, तो BC क्या है कोर लंबाई है, CD क्या है कोर लंबाई है, तो EA। अब देखो BD कर्ण है, लंब दिया गया, आधार दिया गया, निकालना क्या है कर्ण। तुमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अरे इधर स्क्वायर ना है तो क्या रूट होगा ना, तो BD बराबर BC का मान क्या है A है, तो A का स्क्वायर प्लस CD का मान क्या है A है, तो A का स्क्वायर। अब A स्क्वायर दूगो है तो 2A स्क्वायर, A दूगो बाहर निकल जाएगा तो √2A निकल गया है। अब चलेंगे फिगर सेकेंड और फिगर थर्ड से, यानी फिगर सेकेंड और फिगर थर्ड चलेंगे। BD बराबर 4R, BD बराबर 1, 2, 3, 4 R यानी 4R। अब बराबर में BD का मान क्या निकला है √2 है ना, √2A। अब यहाँ से A का मान निकालना है तो √2 गुना में किस में जाएगा भागा में, √2 को कर दो पर में करण कर दो, तो √2 में ऊपर से गुना, √2 में नीचे से गुना। ध्यान देना √2 गुना √2 कितना होता है 2। अब मान लो कि रहेगा √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, तो 4R गुना √2 और √2 गुना √2 कितना हो गया 2, 2 दूना 4, यहाँ पर काट दो 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे, तो 2√2R समीकरण फर्स्ट हो गया, ये निकल गया A के मान 2√2R निकल गया। हम लोग को पता है कि एकक सेल का आयतन फॉर्मूला होता है AQ, तो समीकरण फर्स्ट से FCC का आयतन AQ, हम लोग को A का मान निकल गया है 2√2R का होल क्यू कर देंगे हम, तो 2 का क्यू होता है 8 है, और √2 तीन बार ना, तो √2 तीन बार, तो √2 गुना √2 गुना में √2, तो √2 का √2 2 हो जाएगा, तो 2 एक √2 बच जाएगा, तो 8 दूना 16 √2 हो गया ना, अब R क्यू हो गया, यहाँ पर R का क्यू हो गया। अब चलते हैं FCC में ठोस कण की संख्या निकालना है, तो FCC में कण पहले कहाँ लाएं कोना पर लेंगे कण को हम, यानी कण कोना पर आएगा, तो कोना 8 गो और एक कोना पर एक परमाणु का 8वां भाग रहता है, तो 8 गुना 1/8 प्लस में फलक 6 गो और एक फलक पर एक परमाणु का दूसरा भाग रहता है, तो 6 गुना 1/2 8 × 8 एक बार द्वितीय 6 3 × 1 4 गो निकल गया ठोस कण। अब FCC में ठोस कण का आयतन निकालना है, हम लोग पता है कि 4/3 πr³, कितना ठोस कण है 4 गो, 4 से गुना कर दो, ये होता है एक कण का आयतन, 4 गो है 4 से गुना कर दिए, 4 × 16/3 πr³। अब निकालना है संकुलन क्षमता, इसका होता है फॉर्मूला ठोस कण का आयतन बटा में एकक सेल का आयतन, तो ठोस कण का आयतन 16/3 πr³, तो 16 3 नीचे कर दो भाई, 16/3 πr³ हो गया, अब बटा में एकक सेल का आयतन निकल गया 16√2r³, 16√2r³। यहाँ पर देखो
आर क्यू से आर क्यू कटेगा, 16 से 16 कटेगा, पाई का मान 3.14, 3 गुना √2 का मान 1.41। यदि इसको हम हल करते हैं तो निकलता है 0.74। अब यहाँ से निकालना है प्रतिशत संकुलन क्षमता, 0.74 × 100 कितना आ गया, 74%, यानी 74%। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एफसीसी में ठोस कण कोना पर और कहाँ आता है, फलक पर। ठोस कण लगाने के बाद देखा गया कि एकक सेल का 74% स्थान कब्जा कर लेता है, लेकिन 26% स्थान खाली रहता है। जो स्थान कब्जा किया उसे ही हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। यानी एफसीसी में स्थान कब्जा कर रहा है के परसेंट, 74%। अब हम लोग काम करते हैं सी नंबर में, अंतःकेंद्रित घनीय यानी बॉडी सेंटर क्यू बीसीसी। अब हम लोग देखते हैं सी नंबर में अंतःकेंद्रित घनीय यानी बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यू। देखो जी, बॉडी सेंटर्ड क्यू है यानी कहने का अर्थ हो कि एकक सेल में ठोस कण कहाँ कहाँ होगा, कोना पर होगा और कहाँ होगा, बॉडी में होगा यानी अंत में, बीच में, केंद्र में होगा। अब बताओ केंद्र में होगा एक होगा और कोना तो 8 गो है तो 8 जगह होगा। अब यहाँ देखो, एक कोना को हम मान लिए हैं ए, इसको बी और इसको सी। देखो यही ना अंतःकेंद्र है, ये क्या है, अंतःकेंद्र है यानी यहाँ पर भी होगा, एक परमाणु होगा। अब ध्यान देना, हम ए को मिलाए हैं बी से, ए को मिलाए हैं सी से। अब ध्यान देना, यहाँ ए बी का मान आया है √2a। कैसे आया है, क्योंकि ये वाला कोर लंबाई ए है, ये वाला कोर लंबाई ए है, ये लंब हो गया, ये धार हो गया, ए बी हो गया कर्ण, तो कर्ण का मान निकालना है और लंब धार दिया है तो क्या निकल गया, √2a ना, क्या निकल गया, ए बी का मान √2a निकल गया है। यदि हम ए बी सी फिर बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं फिगर को, तो ए बी सी बताओ, ए कोना है यहाँ परमाणु है, बी कोना है यहाँ परमाणु है, सी कोना है यहाँ परमाणु है, ये अंतःकेंद्र है यहाँ यानी ए और सी के बीच में अंतःकेंद्र है, ए और सी के बीच में अंतःकेंद्र, यहाँ पर एक परमाणु है कि नहीं है। अब यहाँ देखो, ये हो गया त्रिज्या आर, ये परमाणु गोल है, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर हो गया, इसको निकालो बाहर बढ़िया से। तो ए बी सी, देखो जी, ए बी का मान √2a, बी सी का मान, बी सी क्या है, कोर लंबाई ना है ए, हम निकालना है ए सी का मान, निकालना है कर्ण का मान, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, निकालना है ए सी का मान, तो ए सी बराबर √√ ए बी का मान क्या है, √2a ना है, तो √2a का स्क्वायर प्लस बी सी का मान ए है तो ए का स्क्वायर, √2 दो बार तो √2 × √2 होगा और ए स्क्वायर, अब प्लस में ए स्क्वायर, 2a² यहाँ 1a² 3a² ए दो को बाहर निकल जाएगा √3a। अब चलेंगे फिगर सेकेंड और फिगर थर्ड से, ए सी बराबर 4r, 1, 2, 3, 4r 4r बराबर में √3a मान निकल गया है, ए सी का मान। यदि हम यहाँ से a का मान निकालते हैं तो √3 गुना में किस में आ जाएगा, भागा में, समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं। अब यहाँ देखो, एकक सेल का आयतन होता है ए क्यू, समीकरण फर्स्ट से, बी सी सी का आयतन ए क्यू, ए का मान पुट कर दो, ए का मान क्या है, 4r/√3 का क्यू होगा, 4×3 गुणा ना, 4×4 = 16, 16×4 = 64, 64r³ हो गया बटा में √3 तीन बार तो √3 × √3 तब √3 × √3 थ्री हो गया और √3 बच गया, फिर √3 हो गया, ये निकल गया बीसीसी का आयतन 64r³/√3। हम निकालना है बीसीसी में ठोस कण की संख्या, अर्थ कोना पर होगा, कोना 8 गो और एक कोना पर एक परमाणु का 8 भाग रहता है, तो 8 × 1/8 प्लस में केंद्र ए गो, आराम से परमाणु को लाओ अलग के डाल दो तो 1 × 1 हो गया, तो ये कटेगा तो 1 आएगा प्लस में 1 आएगा 2 हो गया। बीसीसी में ठोस कण का आयतन निकालेंगे तब 4/3 πr³, ये हो गया, ए का हो गया, 2 कण है 2 से गुना कर दो, 4×8/3 πr³ हो गया। अब हम लोग को निकालना है संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता का होता है फॉर्मूला ठोस कण का आयतन बटा में एकक सेल का आयतन, तो ठोस कण का आयतन 8/3 πr³, तो 8/3 πr³ बटा में एकक सेल का आयतन,
एकक सेल का आयतन यानी बीसीसी का आयतन, वही हो गया बीसीसी का आयतन। तो 64 आर क्यू यहाँ बट्टा में होगा, यहाँ पर बट्टा में होगा 3√3। ये कहाँ जाएगा? ऊपर ना, चला गया ऊपर। यहाँ से हल करते हैं तो आर क्यू कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 8 64 कट रहा है। पाई के मान 3.14, रूट थ्री के मान 1.73, बट्टा में 8 है। जब इसे हम हल किए हैं 0.68 आया है। हम निकालना है प्रतिशत संकुलन क्षमता, तो 0.68 × 100 यानी 68%। यानी कहने का अर्थ हुआ कि बीसीसी में ठोस कण द्वारा स्थान कब्जा किया गया है के परसेंट 68%। और तुमको पता है कि बीसीसी में ठोस कण कहाँ कहाँ आएगा? कोना पर, और कहाँ आएगा? केंद्र में आएगा। अब कोना पर और केंद्र मिलाकर एकक सेल का कितना स्थान कब्जा किया, यानी यूनिट सेल का कितना स्पेस ऑक्युपाय हुआ? 68% स्थान कब्जा किया है बीसीसी। अभी हम जितना काम किए हैं उसका देखते हैं निष्कर्ष। इसमें पहले लिखे हैं हम एकक सेल का प्रकार, कोर लंबाई और त्रिज्या में रिलेशन, और संकुलन क्षमता। फर्स्ट था आध या अभाज एकक सेल, इसमें निकाले हम कोर लंबाई और त्रिज्या के संबंध निकाले हम, तो निकला था 2R = a। यदि यहाँ a क्या है? कोर लंबाई है, और r क्या है? ठोस कण का त्रिज्या है। अब बताओ जी, यदि त्रिज्या का मान दिया रहेगा तो क्या कोर लंबाई निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग कहेगा कि अभाज्य एकक सेल में ठोस कण का त्रिज्या दिया गया है 4, निकालना है कोर लंबाई। तो हम जानते हैं कि अभाज्य एकक सेल में फार्मूला होता है 2R = a, आर का मान दिया गया, पुट कर दो 4 = a, यानी निकल गया a = 4 × 8। ऐसे ही मान दिया रहेगा आप लोग का। R का मान दिया है, A का मान निकालना था, A का मान दिया रहेगा, R का मान निकालना होगा, तो 2 गुना में है, 2 किस्म हो जाएगा, भागम हो जाएगा। और अभाज्य एकक सेल में संकुलन क्षमता कितना होगा? 52%, यानी 52% स्थान कब्जा करेगा ठोस कण। FCC में चलते हैं, यदि कोर लंबाई और त्रिज्या भी समान चलते हैं तो 4R = √2a। अरे R क्या है? ठोस कण का त्रिज्या है। A क्या है? कोर लंबाई है। किसी एक का मान दे रहा है, किसी एक का मान निकालना पड़ेगा, निकालेंगे आराम से हम। संकुलन क्षमता बताना है कितना? 74%। BCC में 4R = √3a, A का मान दिया रहेगा तो R का मान निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। यदि R का मान दिया गया, A का मान निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। BCC में संकुलन क्षमता कितना? 68%। देखते हैं नोट में, फर्स्ट नंबर CCP में संकुलन क्षमता होता है 74%। क्यों? क्योंकि CCP बराबर होता है FCC, इसलिए FCC का संकुलन क्षमता है 74%, इसीलिए CCP कितना हो जाएगा? 74% हो जाएगा संकुलन क्षमता। अब हम लोग काम करते हैं SCP का। अब देखते हैं नोट में सेकेंड नंबर, SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, यानी षटकोणीय निबिड संकुलन में जब ठोस कण को हम लोग लगाते हैं तो कितना स्थान कब्जा करता है, ये देखना हम लोग को। ये फिगर है SCP का। आप लोग पता है कि SCP में ठोस कण कहाँ कहाँ होता है? कोना पर होता है, यानी 12 कोना है, और होता है कहाँ? फलक होता है, फलक पर। अब ध्यान देना, यहाँ पर जब हाइट का मान यानी ऊंचाई का मान निकाला गया तो निकला √2/3 × 4R। ये मान कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। यहाँ से ई देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, 6 कोना निकालिए बाहर, और बीच में फलक है, क्योंकि फलक पर रहता है एक परमाणु, ये फलक पर है, एक परमाणु रह गया। अब यहाँ से इसको मिलाए हम तो त्रिज्या हो गया। अब इसे माला करेंगे तो कुछ ऐसा बना। अब ध्यान देना जी, ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ जाने में 2R, यहाँ से यहाँ जाने में 2R, यहाँ से यहाँ जाने में 2R, यहाँ से यहाँ 2R, यानी 6 गो है, 6 गो 2R होगा, 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, R R 2R, त्रिज्या ना है, 2 गुना है, 2R होगा। ध्यान देना, इसको माने ABC। देखो जी, ABC एक त्रिभुज है,
अब सब भुजा बराबर है तो कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। अरे सब मन बराबर बाहु मन भुजा। अब निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका होता है फॉर्मूला रूट थ्री बाई फोर गुना भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? टू आर ना है, तो टू आर का स्क्वायर। रूट थ्री बटा फोर गुना दो दुना चार आर स्क्वायर। फोर फोर कंसील, फोर फोर कंसील हो गया, तो यहां बच गया रूट थ्री आर स्क्वायर। अब यहां देखो षटकोणीय का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल गुना छ। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः गुना है, तो एक का निकाल लिए हैं, छः से गुना कर दो पूरा का निकल जाएगा, तो रूट थ्री आर स्क्वायर गुना छः निकल गया सिक्स रूट थ्री आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो ऊपर में ए सी पी का आयतन निकालना, इसका होता है फार्मूला क्षेत्रफल गुना ऊंचाई यानी एरिया गुना हाइट। हमको क्षेत्रफल निकल गया है छ रूट तीन आर स्क्वायर निकल गया है, गुना ऊंचाई का मान दिया हुआ है रूट, दोनों रूट में है तो ऊपर की है रूट टू नीचे की है रूट थ्री, गुना में फोर आर। रूट थ्री यहां पर कट जाएगा, कट गया तो छ चौका चौबीस रूट टू। अब आर स्क्वायर अब आर वन है तो आर क्यों हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है यहां आर वन गुना करना है, जब आधार सेम है ना तो पावर जुटता है तो क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, यह हो गया आर क्यू ना। अब एससीपी में ठोस कण की संख्या निकालना है, एससीपी में होता है 12 कोना और एक कोना पर एक परमाणु का रहता है छठा भाग, एससीपी ना है उस सीसीपी एफसीसी बीसीसी आधी आभाज इसमें क्या है आठ कोना रहेगा और एक कोना पर एक परमाणु का आठवां भाग रहता है, लेकिन यहां क्या है एससीपी ना है, यहां 12 कोना है और एक कोना पर एक परमाणु का छठा भाग ही रहता है, तब 12 गुना एक बटा छ प्लस आठ गो होता है फलक और एक फलक पर एक परमाणु का आधा आधा भाग रहता है, तो आठ गुना एक बटा दो छ गुना बारह दो चौक आठ चार दो छ हो गया। अब ए सी पी में ठोस कण का आयतन फोर बाय थ्री पायर क्यू, ई हो गया एक परमाणु का यानी एक कण का, छह कण है छह से गुना कर दो तो तीन दुना छ कट जाएगा, यहाँ पर तीन दुना छ कट जाएगा तो चार दुना आठ पायर क्यू हो गया। अब निकालना है संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता का होता है फॉर्मूला ठोस कण का आयतन बटा में एकक सेल का आयतन, तो एसीपी ना है तो एसीपी का आयतन हो जाएगा, देखो इधर तो आठ पायर क्यू हो गया ठोस कण का आयतन हो गया और एसीपी का जो निकाले हैं आयतन क्या निकाल गए हैं चौबीस रूट टू आर क्यू निकाले हैं, यहाँ आर क्यू कटेगा अड़तिया चौबीस कटेगा, पाई का मान 3.14 तीन गुना रूट टू के मान 1.41 इसको हल किए हैं तो निकला 0.74। हम निकालना है प्रतिशत संकुलन क्षमता, तो होता है इसका 0.74 गुना 100 बराबर 74% यानी एसीपी में ठोस कण लगाने के बाद स्थान कब्जा कर रहा है 74%। अब हम लोग बात करते हैं रिक्तियां का, यानी जो ठोस स्थान कब्जा कर लिया है उसके बाद जो जगह खाली है उसे हम बोलते हैं रिक्ति यानी वॉइड्स बोलते हैं। देखो जी जितना हम पढ़ा रहे हैं ना आप सभी के लेना स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को रोक कर कॉपी ने साथ में उतारते चलना या तुम स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं रिक्तियां का, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं रिक्तियां का यानी वॉइड्स का, ये इसे बोलते हैं अंतरालीय जगह यानी इंटरस्टेशियल स्पेस। अब बात समझना है, हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि संकुलन क्षमता उसे कहते हैं जो ठोस का स्थान कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद जितना स्थान खाली बच गया उसे हम बोलते हैं रिक्तियां यानी वॉइड्स बोलते हैं। यहां हम लिखे हैं कि एकक सेल में ठोस कण जो स्थान कब्जा नहीं करता है रिक्तियां या अंतराली जगह कहलाता है। पहले बताया है कि संकुलन क्षमता क्या है, ठोस कण द्वारा स्थान ग्रहण किया जो यानी ठोस कण द्वारा स्थान ग्रहण, और अंतराली जगह क्या है, अंतरालीय जगह क्या है यानी ठोस कण द्वारा स्थान खाली, कब्जा करने के बाद जितना खाली रह गया उसमें क्या है अंतराली जगह है। अब मान लो कि इस रूम में 100 व्यक्ति है तो कहें कहें तो खाली होगा ना, थोड़े के पूरा फूल हो जाएगा, जहां जहां खाली उसे हम बोलते हैं वॉइड्स, जितना स्थान जितना एरिया कवर कर लिए उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। अब यहां देखो अब वॉइड्स क्या है, अरे इम्पटी स्पेस नहीं बोलते हैं इम्पटी, कभी देखा है लिखा हुआ मोबाइल में इम्पटी यानी कुछ भी नहीं है इम्पटी यानी इम्पटी स्पेस, या बोलते हैं फ्री स्पेस, फ्री खाली है, या अनऑक्युपाइड स्पेस
यानी अनऑक्युपाइड यानी जगह खाली नहीं है। अब ध्यान देना, यदि संकुलन क्षमता है वो क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल स्पेस ऑक्युपाई करता है, लेकिन जो रिक्तियां है वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, अनऑक्युपाई करता है। अब यदि रिक्तियां निकालना हो, यदि प्रतिशत रिक्तियां निकालना हो तो 100 माइनस प्रतिशत संकुलन क्षमता। अब यहां देखते कैसे निकालेंगे हम लोग, एकक सेल का प्रकार लिए हैं, संकुलन क्षमता यहां निकालना है, प्रतिशत रिक्तियां निकालना है। अब यहां देखो, अभाज्य एकक सेल में संकुलन क्षमता होता है 52%, तो इतना स्थान कब्जा किया तो कितना खाली रह गया, 48% खाली रह गया। एफसीसी में ठोस का स्थान कब्जा किया 74%, कितना खाली रह गया, 26%। बीसीसी में ठोस का स्थान कब्जा किया है 68%, कितना खाली रह गया, 32%। सीसीपी में स्थान कब्जा किया है 74%, कितना खाली रह गया, 26%। एसीपी में स्थान कब्जा किया है ठोस का 74%, कितना खाली रह गया, 26%। अब आई होप कि आप लोगों को समझ बढ़िया से आ रहा होगा। और यहां से रिक्तियां को बांटा गया है दो भाग में, यानी वॉइड्स को बांटा गया है दो भाग में। पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी चतुष्फल की रिक्तियां, और सेकेंड है ओक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टफल की रिक्तियां। हम लोग इस बारे में काम करेंगे बढ़िया से, ठीक है। रिक्तियां का प्रकार है टाइप ऑफ वॉइड्स। अभी हम बोले कि रिक्तियां को बांटा गया है दो भाग में, पहला है टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी चतुष्फल की रिक्तियां, और सेकेंड में है अष्टफल की रिक्तियां यानी ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब समझते हैं दोनों को बारी बारी से। इसमें लिखे हैं फर्स्ट पॉइंट कि इसमें रिक्तियां सिर्फ चार कान से घिरे होते हैं। अरे चतुष मीन्स चार, फलकीय मीन्स फलक, यानी चार फलक, चार है तो चार कण से घिरा हुआ रहेगा। सेकेंड पॉइंट कि जितना कण से घिरा हुआ है उतना होगा उपसहसंयोजक संख्या होगा। लिखें सेकेंड पॉइंट कि उपसहसंयोजक संख्या चार होता है क्योंकि चार कण से घिरा हुआ है। अब देखते हैं अष्टफलकीय में फर्स्ट पॉइंट, इसमें रिक्तियां सिर्फ छह कण से घिरे होते हैं। अब कहेगा सर अष्ट मिनट आठ होता है, अब फलक में फलक होता है, तो बताइए ना कि इसमें बोले चार फलक तो चार हुआ, चार कण से घिरा हुआ है। एक इसमें बोले कि आठ फलक तो छह कण से क्या घिरा हुआ है, होना चाहिए आठ कण, लेकिन जी नहीं, यहां कितने होगा इसको याद करना पड़ेगा आपको कि अष्टफलकीय रिक्तियां में सिर्फ छह कण से घिरे होते हैं। कितने कण से, छह कण से। यदि निकालना हो बताओ जी, जितना कण से घिरा हुआ है वही कहलाएगा उपसहसंयोजक संख्या कहलाएगा। देखो इसका दो नाम है, एक नाम है समन्वय संख्या और इसी को नाम बोलते हैं उपसहसंयोजक संख्या बोलते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल थ्रू समझने के लिए, आखिर में समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या क्या होता है, तो दिमाग लगाना थोड़ा सा। अब मान लो कि तू कहीं बीच में खड़ी है, कहीं पर भीड़ में खड़ी है, और तुम्हारे चारों तरफ 10 व्यक्ति खड़ी है। अब पूछेंगे हम, बताओ जी तुम्हारा समन्वय संख्या क्या है, तो बोलेंगे 10 है। क्यों, क्योंकि तुम 10 व्यक्ति से घिरे हुए हो। अब मान लो कि यहां पर हम खड़ी हैं, हमारे इर्द गिर्द 50 व्यक्ति है, कोई पूछेगा बताइए आपका समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कितना है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो बोलेंगे 50 है। क्यों, क्योंकि यहां 50 व्यक्ति से घिरे हुए हैं, जितना से घिरा रहेगा, जितना कण से घिरा रहेगा वह कहलाता है समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहलाता है। देखते हैं थर्ड पॉइंट, यह अंतःविकर्ण पर स्थित होता है। कहेगा सर अंतःकेंद्र सुने हैं लेकिन अंतःविकर्ण क्या होता है, चलो समझते हैं बढ़िया से अंतःविकर्ण क्या है। देखो ये हो गया अंतःकेंद्र, बीच में हो गया, अब कोना से हम मिलाएंगे हम अंतःकेंद्र को, अब कोना से मिलाएंगे हम अंतःकेंद्र को, और कोना से अंतःकेंद्र के जो बीच में आएगा ना उसे हम बोलते हैं अंतःविकर्ण। अब उस कोना से मिलाएंगे केंद्र को, अब कोना तो आठ को है तो इससे मिलाओ सबसे मिला दो, अब कोना और अंतक केंद्र के जो बीच में आएगा ना उसे हम बोलते हैं अंतःविकर्ण बोलते हैं। देखो यहां पर ये कोना है, ये केंद्र है, ये बीच वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं अंतःविकर्ण। ये कोना है, ये केंद्र है, यहां जो बीच में आएगा ना इसे हम बोलेंगे अंतःविकर्ण। अरे यानी एक कोना और अंतक
केंद्र जो बीच में आ रहा है बोलते हैं अंतःविकर्ण, तो आठ कोना है, तो आठ कोना है, आठों कोना को मिला रहे अंतः केंद्र से, तो आठ को आएगा अंतःविकर्ण, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। देखते हैं थर्ड पॉइंट, इसमें या अंतः केंद्र या फलक केंद्र पर स्थित होता है, या अष्टफल की या तो होगा अंतः केंद्र पर होगा या कहां होगा फलक केंद्र पर होगा, ठीक है। देखते हैं लास्ट पॉइंट चतुष्फल किए में, यदि हम लोग को निकालना हो चतुष्फल किए रिक्तियां की संख्या तो इसका होता है फॉर्मूला 2 गुना जेड। जेड क्या है? जेड ठोस कण की संख्या है, ठोस कण की संख्या है। यदि हम लोग को निकालना हो अष्टफल किए रिक्तियां की संख्या तो इसका होता है फॉर्मूला बराबर में जेड, जितना कण का संख्या रहेगा उतना ही अष्टफल किए रिक्तियां की संख्या होगा। यदि हम लेते हैं क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन कि एफसीसी में बताना है चतुष्फल किए रिक्तियां की संख्या बताना है और अष्टफल किए रिक्तियां की संख्या बताना है। तुमको पता है कि एफसीसी में कोना होता है 8 गो 1/8 प्लस 6 गो फलक, एक फलक पर एक परमाणु का आधा भाग, तो 1 प्लस द्वितीयाई 6 कितना आ गया 4 ना, बताओ 4 क्या आ गया? ठोस कण की संख्या आ गया, यानी जेड का मान आ गया है 4, कितना आ गया है 4 आ गया है। अब निकालना है टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकालना है, यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड निकालना है, यानी टीवी का मान निकालना है। अब बताओ जी टीवी का मान निकालना है तो 2 गुना जेड जेड का मान निकाल लिया एफसीसी में, कितना 4 ना, तो 2 गुना 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब ओक्टाहेड्रल वॉइड निकालना है संख्या, यानी अष्टफल की ये रिक्तियां की संख्या निकालना है, बराबर होता जेड ना, जितना जेड का मान है उतना होगा अष्टफल की ये रिक्तियां की संख्या, और कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो सबसे लास्ट पॉइंट जो है क्या है, आरटी बराबर 0.225 कैपिटल आर है। देखो जी टी मीन्स क्या है, टी मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड का त्रिज्या, आर त्रिज्या हो गया, यानी ये टी हो गया, क्या हो गया चतुष्फल की ये रिक्तियां का त्रिज्या हो गया, बराबर में 0.225। ER क्या हो गया, ER हो गया ठोस कण का त्रिज्या हो गया। इसको हम सिद्ध करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। यहां देखो RO बराबर 0.414 R है, ये RO क्या है, ओ मीन्स ओक्टाहेड्रल वॉइड्स का त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। अब बराबर में 0.414, ये आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, आर क्या है, ये आर ठोस कण का त्रिज्या है, ठोस कण का त्रिज्या है। इसे हम आगे बढ़े से प्रूफ करेंगे, दोनों को मान को हम प्रूफ करेंगे बढ़िया से। अब देखते हैं चतुष्फल की रिक्तियां का फिगर ये होता है, ये हो गया बड़ी डायगोनल यानी अंतःविकर्ण, ये पूरा फिगर किसका हो गया चतुष्फल का हो गया, ये फिगर किसका हो गया अष्टफल की ये रिक्तियां का हो गया, क्योंकि इसमें ठोस कण या तो अंतः केंद्र पर होगा या फलक केंद्र पर होगा। तो आज क्लास हम इतना ही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नए जोश में नए उमंग में अगले क्लास में, और हम लोग इसको प्रूफ करेंगे आरटी बराबर 0.225 R और प्रूफ करेंगे RO बराबर 0.414 R, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।